शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तैयारियां कैसे चल रही है कंपटीशन की? बहुत ही अच्छी बड़ी मीम साहब, तैयारी तो पूरी पर हारने की। विश्वास अच्छा होता है लेकिन अति विश्वास वो कभी कभी घातक होता है। गहना के डिजाइन देखी हमने, लगता है इस बार कंपटीशन में धमाल मचाने वाली है वो। लेकिन वंशी उसकी बहुत मदद कर रहे हैं, बिल्कुल अपना समझ के। हमें कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ बताइए ना। गहना, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। वो हम अभी काम कर रहे हैं तो। गहना हमें जरूरी काम है, चलो हमारे साथ। गौरव बुरा मत मानना लेकिन हम बात बाद में भी कर सकते हैं ना, हम अभी काम में फंसे हुए हैं। गहना हम कह रहे हैं हमें जरूरी काम है, चलो हमारे साथ में। गहना का हाथ छोड़ो। सुना नहीं उसने क्या कहा? वो काम कर रही है। क्या कहा आपने? हाथ छोड़े, और अगर नहीं छोड़ा तो? और आप होते कौन है हमारे और गहना के बीच में आने वाले? भूल गए उसने क्या सबक सिखाया था आपको? हम कभी कुछ नहीं भूलते, तो तुम भी मत भूलो। जब एक लड़की कह रही है कि वो बात नहीं करना चाहती तो उसका मतलब ना होता है। और उस दिन तुम्हें इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि गहना हमारी बहुत अच्छी दोस्त है और हम ये दोस्ती बिगाड़ना नहीं चाहते। तुम हमें बताओ कि अपनी गहना से हम कैसे बात करेंगे? गहना किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसे धमकी देना बंद करो। हमारे लिए लड़ना बंद कर दीजिए। हम आप दोनों में से किसी की जायदाद नहीं है, एक जिंदा इंसान है हम, और अपने हर फैसले लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमें है। आग लगा दी है, बस उसमें अब घी डालने की कमी है। चलो ये भी काम पूरा कर देते हैं। वाओ उर्वशी मैडम, क्या मस्त कपड़ा है। उसको क्या कहते हैं वो हीरो को? हाँ, शो टॉपर है। शो स्टॉपर झुमकी? हाँ वही। लेकिन कुछ भी कहिए, कोई दूसरा डिजाइनर आपके सामने खड़ा भी नहीं हो सकता है। यू आर द बेस्ट। ऑफ कोर्स, ये आउटफिट उर्वशी चौधरी ने बनाया है तो परफेक्ट तो होगा। वैसे बात तो एकदम सही है, सच में ड्रेसेस तो बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन फिर भी ना एक बात हमारे दिमाग में अटक रही है। वैसे तो आपका और उस गहना का कोई मुकाबला है ही नहीं, लेकिन हम फिर भी कहेंगे कि एक बार जाकर ना आप उसके डिजाइन देख लीजिए। वंश जी का सपोर्ट है उसे, क्या पता किस किस की मदद मिल रही हो, किस किस की गाइडेंस मिल रही हो उसे। और वो है ना पटना के जो टॉप के डिजाइनर है विजय मल्होत्रा। हाँ, वो उसे पर्सनली जानते हैं। विजय मल्होत्रा को मैं भी जानती हूँ, एक कॉल करूंगी बात हो जाएगी। व्हाट्स द बिग डील? हाँ ये भी सही है, आपसे तो सारी दुनिया सिर्फ एक कॉल की दूरी पर तो है, सिवाय आपके पति को छोड़कर। पर एक बात तो है, वंशी ना कदम कदम पर गहना की मदद कर रहे हैं। दामाद जी का ही नजर नहीं आ रहे, कहाँ है वो? हम बताते हैं, गौरव इस वक्त गहना के साथ है। यहां तक कि गौरव और वंश के बीच गहना को लेकर झगड़ा भी हो चुका है। हम अभी अभी सीधा प्रसारण देखकर आ रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट। वैसे एक बात तो है, सब गहना की मदद करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं।
पर आपके पति को तो आपकी मदद करनी चाहिए, वो आपकी मदद नहीं कर रहे। उर्वशी दीदी, हमें ना बहुत डर लग रहा है, कहीं आपके पति आपके शो स्टॉपर टीम उर्वशी से टीम गहना ना बन जाए। अब हो गया है फाइनल, क्यों ना हम इसे ही फाइनल कर देते हैं। हाँ, बस पगड़ी पहनाना बाकी है। हम पहनकर दिखाएं एक बार। हम उर्वशी मैडम के साथ कुछ नहीं करना चाहते, ना ही उनके मॉडल बनना चाहते हैं और ना ही शो स्टॉपर। हम तुम्हारे शो स्टॉपर बनना चाहते हैं। ट्राई करें एक बार। क्यों नहीं, तो दो। काश तुम हमारे साथ होते गौरव, काश तुम हमारी पहली तरक्की का हिस्सा बनते। हमें माफ कर दो गौरव, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। हम सब गलत कर रहे हैं, पर हम क्या करें गौरव, हम मजबूर हैं। हम जानते हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो माफी के लायक भी नहीं है, फिर भी अगर हो सके तो हमें माफ कर दे। वाओ गहना, आई एम इम्प्रेस्ड। हाँ, तो ये है तुम्हारे नौकरानी से रानी बनने की दिशा का पहला कदम। ये है तुम्हारा शो स्टॉपर आउटफिट। इतना घटिया, इतना लो ग्रेड। कम ऑन गहना, ये एवरेज ग्रेड की चीज बनाने की क्या जरूरत थी। अब बनाया तो बनाया, लेकिन वंश जी की मदद के बाद भी यही बना पाई तुम, और मुझे कंपटीशन देने के लिए ये प्रेजेंट करोगे तुम। चलो कोई बात नहीं, अब जो हो गया वो हो गया, उसका तो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा हाँ, क्या बोला था तुमने मुझे, तुमने आज तक जो सीखा है मुझसे सीखा है, राइट? यार अगर तुम ये प्रेजेंट करोगी तो नाम किसका खराब होगा? बोलो। उर्वशी चौधरी का, और मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। आप प्लीज, तुम एक काम करते हैं, तुम्हारे इस डिजाइन में ना मैं थोड़ी सी रेक्टिफिकेशंस कर देती हूँ, मतलब थोड़े से चेंजेस। बस उर्वशी मैम साहब, किसी भी चीज को हाथ मत लगाइएगा, क्योंकि यही फर्क है आप में और हम में। क्या ये फर्क कि हम जो करते हैं वो दिल से करते हैं। हमने जो भी कपड़े बनाए हैं वो पूरे दिल से बनाए हैं, क्योंकि शादी तो संयोग से दो दिलों का मिलन होता है। आपकी तरह नहीं, दिमाग से जो किया जाए वो सौदा। और मेम साहब, आप हमारे आउटफिट्स की चिंता छोड़ दीजिए, आप अपने आउटफिट्स की चिंता कीजिए, क्योंकि हम हारने से डरते नहीं हैं। ये प्रतियोगिता तो कल है ना,
और कल इस प्रतियोगिता में हमें पता चल भी जाएगा कि हमारे दिल से बनाए गए आउटफिट्स जीतते हैं या आपके दिमाग से बनाए गए आउटफिट्स। लेकिन हमें कल जो भी मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ हमारी मेहनत, ईमानदारी और हमारी प्रतिभा की वजह से। इसे कहते हैं करारा जवाब, वो भी सही समय पर। This is interesting, very interesting। आधी जंग तो आपने जीत ली है ना, क्योंकि आपको अपने आप पे और अपने डिजाइन्स पे भरोसा है, और बाकी की जंग आपको आपका टैलेंट जिता देगा। हम ना तो तुम्हें अपना पाए और ना ही हमारी बेटी को, लेकिन ईश्वर की कृपा ऐसी रही कि हमारी बेटी हमारे घर में पहुंच गई। हमने जो गलती की उसे तो हम सुधार नहीं सकते, लेकिन हाँ इतना जरूर कर सकते हैं कि कहना को आगे बढ़ाने में उसकी सहायता करें, उसका साथ दें। उर्वशी आज जिस मुकाम पर है, कहना भी उस मुकाम पर पहुंच जाए। हम बहुत खुश हैं कि हमारी दोनों बेटियां इतनी प्रतिभाशाली हैं, अपने पैरों पर खड़ी हैं। दोनों बेटियां मतलब? सुधा, हमारा मतलब है कि गहना हमेशा हमारे परिवार के लिए खड़ी रहती है, हमारे परिवार का साथ देती है, तो हमें तो वो हमारी बेटी जैसी ही लगती है। ये तुम परेशान क्यों हो? वो क्या है कि ये कंपटीशन कब जंग बन गया ये पता ही नहीं चला। गहना एक बहुत अच्छी लड़की है, बहुत समझदार है, सबके बारे में सोचती है, बहुत मेहनती भी है। उसने उर्वशी की बहुत बात मदद की है, लेकिन डर लगता है कि आम दुनियादारी की समझ उर्वशी के सामने भारी न पड़ जाए। वंश भी उसके साथ है, वंश एक पढ़ा लिखा आदमी है। मुझे बहुत डर लग रहा है, उर्वशी अगर हार गई तो उसका व्यवहार क्या होगा? हम सबको पता है कि उसे हार से सख्त नफरत है, कल कंपटीशन में क्या होगा? चलिए खाना खा लीजिए। नहीं नहीं अभी रुकिए, अभी और भी काम है हमें, हम बाद में खाते हैं ना। अरे रुकना ही तो नहीं है, आप भी नहीं रुकी सुबह से, कितना काम करेंगी, पहले खाना खा लीजिए। अरे नहीं अभी नहीं, हमने कहा ना आपसे प्रतियोगिता कल ही है, दो चार दिनों बाद नहीं। अभी तो हमने सारे आउटफिट्स के साथ ज्वेलरी भी फाइनलाइज नहीं की है, सब काम बाकी है, और अभी स्टाफ और एम्प्लॉय को भी हमें बताना है कि किसके साथ क्या कुछ जाएगा, उन्हें समझाना पड़ेगा। जब हमने ही तैयारी नहीं की होगी तो हम सबको क्या बताएंगे कैसे? सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, पर आप कितना बोलती हैं, इतनी देर में तो खाना खा लिया होता आपने। याद है उस दिन जब हमने खाना नहीं खाया था तो आपने कितना डांट डांट के खाना खिलाया था? सिचुएशन सेम ही है, आज अगर आपने नहीं खाया ना तो हमें भी डांटना पड़ेगा आपका। पकड़िए प्लेट जल्दी, पकड़िए पकड़िए पकड़िए, बैठिए आइए खाइए खाइए, बहुत टेस्टी है। हे भगवान, ये इतना तीखा। कितनी बार कहा है मुझे तीखा नहीं चलता। ये पानी पियो, पानी पियो। आप, I'm really sorry, मैंने उससे कहा था कि मिर्ची ना डाले, लेकिन उस गधे ने खाना तीखा कर दिया। I'm really sorry। वैसे उसने अच्छा ही किया कि खाने में मिर्ची डाल दी। क्यों? क्योंकि तुम ऐसे में कितनी प्यारी लगती हो जब तुम छींकती हो, वाह। और ये जो तुम्हारी नाक है ना, ये मंचूरियन पकौड़े की तरह हो जाती है।
हमको इतना तीखा नहीं जमता है, हम नहीं खा सकते। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे तुम हमारी जिंदगी में वापस आ गई हो गहना बन के। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। बस रूप रंग अलग है लेकिन आदत वही है। क्या हुआ वंश जी? कुछ नहीं, बस आपको देख के किसी की याद आ गई। उसे भी तीखा बिल्कुल नहीं जमता था और उसकी नाक भी आपकी तरह रेड हो जाती थी, मंचूरियन पकौड़े की तरह। शो सिर्फ और सिर्फ हमारे शो स्टॉपर पर टिका हुआ है, लेकिन अगर नॉर्मल मॉडल्स ने उनका साथ नहीं दिया तो शो में मजा नहीं आएगा। इसीलिए आप नॉर्मल मॉडल्स पर भी जमकर तैयारी करिए, उन्हें उतना ही ट्रेन कीजिए और स्टेज पर भी ध्यान रखिएगा कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए। जी मैम। और ये देखिए, अब होगा नया चैप्टर स्टार्ट। अरे ये दोनों कॉम्पिटिटर एक साथ कैसे आ गए? और आए तो आए, ऐसे आए कि अब अलग ही नहीं हो पा रहे। हाँ
दिमाग और जलन दोनों ही बड़े प्यारी भावनाएं हैं, क्योंकि प्यार में ना सब कुछ धुंधला नजर आता है, लेकिन जलन में सब कुछ एकदम क्लियर साफ नजर आता है। गहना आप ठीक है? बात सिर्फ कंपटीशन की नहीं है गहना, बात इससे बड़ी है। और बात ये है कि तुम गौरव को मुझसे छीनना चाहती हो। पर ऑनेस्टली सच में मुझे ये बात समझ नहीं आती कि तुम सोच भी कैसे सकती हो कि तुम गौरव के करीब अब भी आ सकती हो। बट यू नो व्हाट, ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि ये कॉफी तुम्हें और गौरव को दूर कर देगी। जब ये कॉफी तुम्हारी शो स्टॉपर ड्रेस के ऊपर गिरेगी तो फिर तुम ये कॉम्पिटिशन कैसे जीतोगे? जीतना तो दूर, इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कैसे करोगे तुम गहना? हम सबूत लाएंगे और अपने आप को साबित करेंगे कि हम बेगुनाह हैं। ये सब करके क्या साबित करना चाहते हो? कि पानी को भी पता है कि उसे अपना दायरा कहाँ तक रखना चाहिए। पानी अगर अपनी पूरी ताकत लगा दे तो सुनामी ला सकता है कहना, पर तुम ये बात नहीं समझोगी क्योंकि तुम हालातों से भागती हो जबकि तुम्हें लड़ना चाहिए। गौरव तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसलिए अब हमें खुद मजबूती से खड़े होना पड़ेगा, खुद पर भरोसा रखना पड़ेगा। इस अधूरे प्यार की पूरी कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।